हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। तो आज हम बात करने वाले एक ऐसे टीडीएल के बारे में जिसको यूज करके आप किसी भी ट्रांजेक्शन में कोई भी डॉक्यूमेंट अटैच कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या होगा कि कोई भी आप ट्रांजेक्शन ओपन करेंगे, चाहे वो सेल्स हो, परचेज हो, पेमेंट हो, रिसिप्ट हो, तो वो कोई भी ट्रांजेक्शन में आप अपना जो डॉक्यूमेंट है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, चाहे वो ऑर्डर हो, सेल्स ऑर्डर हो, परचेज ऑर्डर हो, कोटेशन हो, या तो किसी एक्सपेंस का वाउचर हो, तो लेट सपोज के आपका पेमेंट का ट्रांजेक्शन है, तो उस पेमेंट किसके किस पर्पज से आपने किया हुआ है, सामने वाले का कोई इनवॉइस होगा तो उसको आप अटैच करके रख सकते हैं। सेम चीज़ अगर आपने परचेज किया हुआ है तो परचेज के टाइम पे भी सामने वाले का जो परचेज इनवॉइस है उसको आप अटैच करके रख सकते हैं। कोई ऐसा एक्सपेंस किया हो उसके लिए आप रख सकते हैं। सेल्स के टाइम पे आपने कोई लेट सपोज कोटेशन बनाया हो, कोई ऑर्डर हो, या तो कोई एस्टिमेटेड स्लिप हो, उसको आपको अटैच करके रखना है, रख सकते हैं। रिसिप्ट के टाइम पे भी आपका कोई बैंक एडवाइस हो, या तो मतलब कोई भी, मतलब आप देखो, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ तो आप समझ सकते हैं कि भाई आपको कोई भी डॉक्यूमेंट अटैच करके रखना है तो आप वहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा एक टीडीएल है दोस्तों। ये टीडीएल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। ठीक है, इसके लिए आपको कोई चार्ज पे करने की जरूरत नहीं है। बट स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको टीडीएल लेने के लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट लेने के लिए इतना करना है कि आपको नीचे कमेंट बॉक्स पे आपको आपका मेल आईडी लिखना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। ये दो क्राइटेरिया है। ठीक है, नंबर 1 आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, और नंबर 2 आपको अपना ईमेल आईडी जिस पे आपको मेल चाहिए वो नीचे कमेंट्स में लिखना है। ठीक है, तो इतना ही है क्राइटेरिया। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये टीडीएल मिलेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आप जैसे आपको जैसे ही आपको टीडीएल मिल जाएगा, आपको क्या करना है कि टीडीएल को कन्फिगर करना है। ठीक है, तो आप जब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, देन आपका मेल आईडी देंगे, तो विदिन आर और ऑन सेम डे आपको मेल मिल जाएगा। ठीक है, टीडीएल का मेल मिल जाएगा, और फिर टीडीएल का आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आप उसको कॉन्फ़िगर करेंगे। ठीक है, तो मैं टीडीएल का फोल्डर ओपन कर लेता हूँ दोस्तों। ठीक है, तो ये मैं एक फोल्डर ओपन कर दिया मैंने, और जहाँ पे ये DAS मतलब डॉक्यूमेंट अटैचमेंट सिस्टम जो है, ठीक है, इसको हमें कॉन्फ़िगर करना है। ठीक है, तो क्या करना है हमको, ये जो पाथ है उस पाथ को हम कॉपी करेंगे। ठीक है, मतलब पाथ पे हम क्लिक करेंगे पहले, उसके बाद एक बैक स्लैश प्रेस करेंगे, एंड देन वो जो टीडीएल है उसको हम कॉपी करेंगे। ठीक है, इसका उसका पूरा पाथ है उसको सिलेक्ट करके हम कॉपी करेंगे। ठीक है, इंक्लूडिंग फाइल नेम एंड एक्सटेंशन। ठीक है, तो वो आपको करना है। उसके बाद आपको आना है टैली में, और टैली में यहाँ पे क्लिक करना है हेल्प बटन पे। हेल्प बटन पे क्लिक करने के बाद आपको क्लिक करना है टीडीएल एंड एडोन्स में, और यहाँ पे आपको F4 प्रेस करके यहाँ पे वो पाथ जो आपने कॉपी किया था वो पेस्ट कर देना है। ठीक है, सबसे पहली जो लाइन है वहाँ पे, तो कुछ इस तरह का आपका स्क्रीन पे आ जाएगा। ये फाइल यहाँ पे शो करेगा कि लोडेड है, ये लोड हो चुकी है फाइल आपकी। ठीक है, एक बार लोड कर लिया उसके बाद आपको क्या करना है, तो सिंपली आपको आप जो भी ट्रांजेक्शंस आप करोगे, ठीक है, यहाँ पे ले सपोज मैं वाउचर में आ जाता हूँ, तो वाउचर में यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं एक ट्रांजेक्शन करने का ट्राई करता हूँ। मैंने यहाँ पे कैश ले लिया, ठीक है, यहाँ पे एंटर कर दिया, और यहाँ पे मैं सेल्स ले लेता हूँ। ओके, सेल्स 100 100, एंटर करेंगे, और यहाँ पे नरेशन से जस्ट ऊपर या नरेशन से जस्ट नीचे अमाउंट के बाद आपको यहाँ पे वो जो डॉक्यूमेंट होगा उसका लिंक पूछेगा। ठीक है, जहाँ पे आपको आपका जो डॉक्यूमेंट है उसको सिंपली कॉपी करके, सेम वे जैसे हमने टीडीएल कॉपी करके डाला था, वैसे ही कोई भी डॉक्यूमेंट है उसको आपको कॉपी करके यहाँ पे डाल देना है। ठीक है, विथ फाइल नेम एंड एक्सटेंशन। ठीक है ना, तो लेट सपोज मैं ओपन करता हूँ वही फोल्डर वापस से, और यहाँ पे लेट सपोज यहाँ पे एक डेमो एस्टिमेटेड स्लिप है। ठीक है, इसको हम कॉपी करेंगे पहले, तो यहाँ पे
बार रिफ्रेश कर देते हैं। डेमो एस्टिमेटेड स्लिप, ठीक है, इसको मैंने कॉपी कर दिया। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि भी फाइल का नाम एंड एक्सटेंशन के साथ मैंने कॉपी किया है, ठीक है। एंड देन यहाँ पे हमने जो कॉपी किया था उसको हम पेस्ट कर देंगे, एंटर करके हम सेव कर देंगे उसको, ठीक है। ये हो गया एक्सेप्ट। एक और ट्रांजेक्शन में कर देता हूँ, ठीक है, ताकि दूसरा जो डॉक्यूमेंट था उसको भी हम इसमें कंसिडर इंक्लूड कर पाए, ठीक है। दूसरा जो डॉक्यूमेंट था वो सैम्पल सिंपल फॉर्मेट था, ठीक है। तो सैम्पल सिंपल फॉर्मेट इनवॉइस हमने यहाँ पे कॉपी कर लिया है, और कॉपी करने के बाद हम वहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। नीचे पेस्ट कर दिया हमने, एंटर करके हम इसको सेव करेंगे, ठीक है। अभी क्या करना है, हम जाएंगे डे बुक में। तो मतलब आपने ट्रांजेक्शन के टाइम पे वो अटैच कर दिया, तो उसके बाद दोस्तों जैसे ही आप अपने ट्रांजेक्शन्स को ओपन करोगे, रो रीओपन करोगे, तो यहाँ पे आपको एक बटन दिखेगा, कंट्रोल प्लस डी ओपन अटैचमेंट, ठीक है। और यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं दोस्तों वो जो हमने अटैच करके रखा था वो ऑटोमेटिकली ओपन हो चुका है, राइट। एक बार फिर से मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे सिंपली ओपन अटैचमेंट पे हमने क्लिक किया। जैसे ही क्लिक किया, वो जो अटैच करके हमने रखा था, चाहे वो कुछ भी हो, ठीक है, ऐसा नहीं है कि खाली पीडीएफ, पीडीएफ, जेपीजी, एक्सेल, वर्ड फाइल, नोटपैड फाइल, कुछ भी आप रख सकते हैं, ठीक है। और जैसे ही वहां पे आप क्लिक करेंगे, ओपन हो जाएगा। मैं दूसरा यहाँ पे नीचे एक और ट्रांजेक्शन था, उसको ओपन करके देखता हूँ। ये सिंपल सैम्पल फॉर्मेट है, ठीक है। ओपन अटैचमेंट पे क्लिक किया, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फोल्डर वो ओपन हो चुका है, फाइल ओपन हो चुका है, ठीक है ना। तो ये था टीडीएल दोस्तों। ये टीडीएल बहुत आपको काम आ सकता है, अगर रियल में अगर आप इसका यूज करेंगे तो आप कोई भी डॉक्यूमेंट अटैच कर सकते हैं, बहुत इजी काम कर देगा ये आपका, ठीक है। कभी भी हमको डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है, तो डॉक्यूमेंट की जब जरूरत पड़ती है तब हमें फिजिकली फाइल के पास जाके फाइलें ढूंढनी पड़ती है, तो बहुत लंबा वो हो जाता है, टास्क हो जाता है। तो ये इजीली आपका खत्म हो जाएगा। आपको सिंपली स्कैन करके पीडीएफ उसका अटैच कर देना है, या तो उसका वर्ड फाइल, या तो नोटपैड फाइल, या तो एक्सेल फाइल, या तो इमेज फाइल आपको अटैच कर देना है। एंड फिर जब भी चाहो, जैसे चाहो आप उसको ओपन करके देख सकते हैं। तो ये टीडीएल था दोस्तों, बताइए कैसा लगा टीडीएल। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे मजेदार टीडीएल्स के लिए, और बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए ताकि हमारे कोई भी टीडीएल का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई टीडीएल के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय भारत, जय हिंद।